प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार, मैं हूं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। आज हम आपको ले चलते हैं बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी। काशी के कणकण में लोगों की आस्था है। काशी विश्वनाथ संकट मोचन, काल भैरव, माता अन्नपूर्णा के साथ साथ एक और बड़ी धार्मिक मान्यता है, जिसको सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जगत के पालन और पोषण करने वाले भगवान जगन्नाथ भी बीमार पड़ते हैं। सुनने में आपको अजीब भले ही लगा हो, लेकिन ये होता है धर्म की नगरी काशी में। दरअसल ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन प्रतिवर्ष भगवान जगन्नाथ का जलाभिषेक किया जाता है और भक्तों के प्यार में भगवान इतना स्नान कर लेते हैं कि वह बीमार पड़ जाते हैं और वह पूरे 15 दिन तक बीमार रहते हैं। इस दौरान उनको ठीक करने के लिए, इलाज के लिए आयुर्वेदिक काढ़ा दिया जाता है। यही काढ़ा प्रसाद के रूप में 15 दिन तक लगातार लोगों को वितरण भी किया जाता है। यह भी मान्यता है कि जलाभिषेक के बाद जो भीषण गर्मी है उससे राहत मिलती है, इंद्र भगवान खुश होते हैं और बारिश होती है। आज ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा है, जो जगत के नाथ इस विश्वनाथ की नगरी में जहाँ विराजित हैं, साक्षात ब्रह्म विष्णु के रूप में, जिनका पूजन अर्चन और जलाभिषेक पूर्णिमा के दिन राजोपचार पंचोपचार षोडशोपचार से पूजन करने से मनुष्य के चारों कामनाएं पूर्ति होती है। धर्म अर्थ काम मोक्ष मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। आज के दिन जो भगवान जगन्नाथ का जलाभिषेक करता है, वर्ष पर्यंत जल की विभिन्न तरह की बाधाओं से दूर रहता है और उसके जीवन में आरोग्यता की प्राप्ति का आधार बनता है। और भगवान जगन्नाथ के बीज मंत्रों का जप कर जगन्नाथाष्टकम, जगन्नाथ की जो महिमा है, जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ, तो आज के दिन पूजन अर्चन करने से राष्ट्र का उदय होता है। अन्य की महामारी से कोई भूखा नहीं मरता है। बेहाल है भगवान, जल जलाभिषेक कर रहे हैं, क्या है आज के दिन जल चढ़ाने का, क्या गर्मी से राहत दिलाने के लिए भगवान को जल चढ़ाया जाता है? भगवान को गर्मी से भी दिलाने का आधार है और 15 दिनों के अंदर, आज के दिन अगर भगवान को जलाभिषेक किया जाता है तो 15 दिनों के अंदर वृष्टि का आधार उपलब्ध होता है। जलाभिषेक जल ही ब्रह्म के रूप में है, पंच महाभूतों में जल की महिमा अद्भुत है। आज के दिन जनता को जलदान भी करना चाहिए, मीठा जल या और भी विभिन्न तरह के जलों में, जनता के लिए भी, भगवान के लिए भी, और भगवान का ही सब कुछ है, भगवान के अतिरिक्त इस संसार में कुछ नहीं है। तो समर्पण भाव के माध्यम से भगवान को अर्पण करना चाहिए। जीव की मुक्ति मोक्ष और अभिलाषाओं की कीर्ति का आधार है। भगवान जगन्नाथ का पूजन अर्चन राष्ट्र का विधेयकारी हो, मंगलकारी हो और देश विरोधी जो शक्तियां हैं उनका दमनकारी हो। हर साल तो ऐसा ही होता है और यही कामना है कि भगवान जी बारिश करें और थोड़ा सा गर्मी से हम लोग को भी राहत मिले, काशीवासियों का उद्धार हो। ये बहुत भीषण गर्मी है और महाप्रभु को जब जलाभिषेक होता है तो भगवान को बहुत अद्भुत राहत होता है। पूरे जगह एकदम बारिश का माहौल बनता है
और इसके बाद जो राहत प्रभु को मिलती है फिर प्रभु इंसानों को राहत देते हैं। यही प्रार्थना है बाबा से कि आज उनको जल अभिषेक किया गया और कल से वो बीमार पड़ जाएंगे। और उसके बाद ऐसा होता है कि मान्यता ऐसी है कि ये बरसात स्टार्ट हो जाएगी, गर्मी से जो इतनी गर्मी पड़ रही है उससे राहत मिलेगी हम लोगों को। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।